हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेव्स लाइफस्टाइल। तो आज एक न्यू व्लॉग जो कि है जगन्नाथ रथ यात्रा इन सूरत। तो सूरत में ये रथ यात्रा जो है वो स्टार्ट होता है सूरत स्टेशन टू जहांगीरपुरा में इस्कॉन टेंपल है वहाँ तक। तो ये पूरा जो है वो 7 किलोमीटर्स का रास्ता है। तो ये पूरा 7 किलोमीटर्स में कैसे कैसे सेलिब्रेट किया गया है, कैसे कैसे मतलब आयोजन किया गया है, वो सारा मैं ये वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना। तो सबसे पहले अपना जान लेते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की स्मॉल स्टोरी। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की थी। तभी श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के बाद से रथ यात्रा का पर्व शुरू हुआ। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, नयन पथ गामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, नयन पथ गामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, नयन पथ गामी भाव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, नयन जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, नयन पथ गामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, नयन पथ गामी भव तुम्हें।
स्वामी नयन पथ गामी, नयन पथ गामी भाव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी तो हम फाइनली मंदिर पहुंच गए। फिर मंदिर में इस्कॉन के ट्रस्ट द्वारा महाप्रसाद आयोजन किया गया था। 50,000 लोगों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। तो हम लोग ने यहाँ भोजन करके भगवान जी की कीर्तन के लिए निकल गए। Oh!
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो बस ये वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।